आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। पीएम मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने का किया आग्रह। लोकसभा सत्र समाप्त, 17 बैठकें 44 घंटे 15 मिनट तक चली, 22 बिल पारित। देश में खरीफ फसल की बुआई 980 लाख हेक्टेयर के पार, कृषि मंत्रालय का दावा। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 67। जब्त किए गए ईरान के कई बिलियन डॉलर आजाद करेगा अमेरिका, कैदियों के आदान प्रदान पर भी बनी सहमति। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 1 साल 5 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। एक दिन में 37% गिरे टमाटर के रेट, मंडियों में बढ़ी 4 गुना आवक। एनआईए की एक टीम ने शुक्रवार तड़के भिवंडी तालुका के पड़गा बोरेवली गांव में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सातारा में 1 लाख की रिश्वत लेते 2 पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, अवैध शराब मामले में मांगी गई थी रिश्वत। गुजरात के एमडी तस्कर को भिवंडी क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, 4,55,000 रुपए की एमडी पाउडर जब्त। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।